नमस्कार। आपना लोग भाले या कुफले से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी सर्बानंद जी सोनोवाल जी, रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के सभी मंत्रीगण, उपस्थित जनप्रतिनिधि साथी, अन्य महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका सर झुका करके नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे अभी बता रहे थे मुख्यमंत्री जी कि 200 स्थान पर लाखों लोग बैठे हुए हैं जो वीडियो के माध्यम से इस विकास उत्सव में भागीदार बन रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। और मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कैसे गोलाघाट के लोगों ने हजारों दीप जलाए। असम के लोगों का ये स्नेह, ये अपनापन मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और तेज होगी। मैं असम के सभी लोगों को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसकी बायोडायवर्सिटी, इसका इकोसिस्टम हर किसी को आकर्षित करता है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल होर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। यहां के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलोज और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ देखने का अनुभव भी वाकई कुछ और है। साथ ही बर्ड वॉचर्स के लिए भी काजीरंगा किसी स्वर्ग की तरह है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने असंवेदनशीलता और आपराधिक संरक्षण के कारण असम की पहचान यहां के राइनो, वो भी संकट में पड़ गए थे। 2013 में एक ही वर्ष में यहां 27 राइनोज का शिकार हुआ था, लेकिन हमारी सरकार यहां आके लोगों के प्रयासों से 2022 में ये संख्या जीरो हो गई है। 2024 काजीरंगा नेशनल पार्क का गोल्डन जुबली वर्ष भी है। मैं असम के लोगों को इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं। और मैं देशवासियों को भी कहूंगा कि गोल्डन जुबली ईयर है काजीरंगा का, आपके लिए भी यहां आना बनता ही है।
मैं काजीरंगा से जो यादें लेकर आया हूं, ये यादें जीवन भर मेरे साथ रहने वाली है। साथियों, आज मुझे वीर लसित बोरफुकन की विशाल और भव्य प्रतिमा का अनावरण का भी सौभाग्य मिला। लसित बोरफुकन असम के शौर्य, असम के पराक्रम के प्रतीक है। वर्ष 2022 में हमने दिल्ली में लसित बोरफुकन के 420 जन्म जयंती वर्ष के पूर्व पूरे उत्साह से मनाया था। मैं वीर योद्धा लसित बोरफुकन को फिर एक बार नमन करता हूं। साथियों, विरासत भी विकास भी, ये हमारी डबल इंजन की सरकार का मंत्र रहा है। विरासत के संरक्षण के साथ ही असम की डबल इंजन की सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है। एम्स के निर्माण से यहां के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। आज यहां तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण हुआ। इससे आसपास के कई जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेगी। असम के पिछले दौर पर, जब मैं पिछले दौरे पर आया था, मैंने गुवाहाटी और करीमगंज में दो मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी थी। आज शिवसागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। यहीं आपके जोरहाट में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र यह हमारा असम बन जाएगा। साथियों, आज पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बनी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को देश को समर्पित किया गया है। ये गैस पाइपलाइन नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करेगी। इससे करीब 30 लाख परिवारों और 600 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 30 से ज्यादा जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, आज डिगबोई रिफाइनरी और गुवाहाटी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का भी शुभारंभ हुआ है। दशकों से असम के लोगों की डिमांड थी कि असम की रिफाइनरी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। यहां आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन पहले की सरकार ने यहां के लोगों की इस भावना पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बीते 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने असम की चारों रिफाइनरीज की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। अब असम की रिफाइनरीज की कुल क्षमता दोगुनी हो जाएगी, डबल, और इसमें भी नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता तो तीन गुनी होने जा रही है, तीन गुनी। जब किसी क्षेत्र का विकास का मजबूत इरादा हो तो काम भी मजबूती से और तेज गति से होते हैं। साथियों, आज असम के मेरे 5.5 लाख परिवारों के लिए अपने पक्का मकान का सपना पूरा हुआ है।
आप सोचिए, एक राज्य में 5.5 लाख परिवार अपनी पसंद के, अपनी मालिकी के पक्के घर में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकारों के समय, उस समय जहां लोग एक एक घर के लिए तरसते थे, वहीं हमारी सरकार एक एक दिन में, आप देख रहे हैं अकेले आसाम में 5.5 लाख गरीबों को दे रही है 5.5 लाख घर। और एक घर ऐसे ही चार दीवारें नहीं है, इन घरों में शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली, नल से जल, ये सारी सुविधा भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, एक साथ मिली है। असम में अब तक ऐसे 18 लाख परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है। और मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना के तहत दिए गए ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। अब घर की मालकिन ये मेरी माताएं बहनें बनी हैं, यानी इन घरों के लाखों महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना दिया है। साथियों, हमारा प्रयास है कि असम की हर महिला का जीवन आसान हो, इतना ही नहीं उसकी बचत भी बढ़े, आर्थिक रूप से उसको बचत हो। अभी कल ही विश्व महिला दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये और घटा दिए। हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए जो मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है, उसकी बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं। जल जीवन मिशन के तहत असम में पिछले 5 साल में 50 लाख से ज्यादा नए घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा है। अमृत सरोवर अभियान के तहत, और अभी मुझे उसका कॉफी टेबल बुक रिलीज करने का मौका मिला, अमृत सरोवर अभियान के तहत यहां जो 3000 अमृत सरोवर बने हैं, उनका भी बहुत लाभ हो रहा है। भाजपा सरकार देश में 3 करोड़, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये एक बढ़िया बढ़िया टोपी पहन के बैठी है ना बहने, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान पर भी काम कर रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभियान का लाभ असम की भी लाखों महिलाओं को मिल रहा है। और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि असम में जो लखपति दीदी बन गई हैं, वो सारी लखपति दीदी यहां आई हुई है। एक बार जोरदार तालियों से इन लखपति दीदियों का सम्मान कीजिए। अगर सही दिशा में नीतियां हो और सामान्य मानवी जुड़ जाए, कितना बड़ा परिवर्तन। आप देखिए, गांव गांव पूरे देश में लखपति दीदी बनाने का अभियान, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 2014 के बाद असम में कई ऐतिहासिक परिवर्तनों की नींव रखी गई। असम में भूमिहीन 2.5 लाख मूल निवासियों को जमीन के अधिकार दिए गए।
आजादी के बाद 7 दशकों तक चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बैंकिंग सिस्टम से नहीं जोड़ा गया था। हमारी सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाले ऐसे करीब 8 लाख वर्कर्स को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना शुरू किया। बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का मतलब है कि उन वर्कर्स को सरकारी योजनाओं की मदद भी पहुंचने लगी है। जो लोग सरकार के आर्थिक लाभ पाने के पात्र थे, उनके हक का पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचने लगा। हमने बिचौलियों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। गरीब को पहली बार लगा है कि उनकी सुनने वाली कोई सरकार है और वो भाजपा सरकार है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है, इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार ने सराय घाट पर दूसरे ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगी बिल ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया। हमारी सरकार के दौरान ही बराक घाटी तक ब्रॉडगेज रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ। 2014 के बाद यहां विकास को गति देने वाले कई प्रोजेक्ट शुरू हुए। जोगी धोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 नए पुल बनाने को मंजूरी मिली। 2014 तक असम में सिर्फ 1 नेशनल वाटरवे था, आज उत्तर पूर्व में 18 नेशनल वाटरवेज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से नई औद्योगिक संभावनाएं पैदा हुई। हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उन्नति योजना को नए स्वरूप में इसका और विस्तार करते हुए मंजूरी दी है। सरकार ने असम के जूट किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस वर्ष जूट के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 285 रूपये बढ़ा दी है। अब जूट किसानों को प्रति क्विंटल 5,335 रूपये मिलेंगे। साथियों, मेरे इन प्रयासों के बीच हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं, देश को गुमराह करने वाले क्या कर रहे हैं, मोदी को गाली देने वाली कांग्रेस और उसके दोस्तों ने आजकल कहना शुरू किया है कि मोदी का परिवार नहीं है। उनकी गाली के जवाब में पूरा देश खड़ा हो गया है। पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। ये है प्यार, ये है आशीर्वाद। देश का ये प्यार मोदी को इसलिए मिलता है क्योंकि मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को सिर्फ अपना परिवार ही नहीं माना, बल्कि उनकी दिन रात सेवा भी कर रहा है। आज का ये आयोजन भी इसी का प्रतिबिंब है। मैं एक बार फिर आप सबको इतने बड़ी विशाल संख्या में आने के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद और इतने बड़ी मात्रा में विकास कार्यों के लिए
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज पूरे नॉर्थ ईस्ट में जानी चाहिए आज। भारत माता की, भारत माता की, ये लखपति दीदी की आवाज तो और तेज होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके उत्साहवर्धक आशीर्वचनों के लिए आपका कोटिशः धन्यवाद एवं आभार। या मेलेंग मेटेली पठारों पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।